अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास इमदाद राशन प्रोग्राम जो है इसका इफ्तिताह हो चुका है। पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन जो है मौसूल होना शुरू हो गई है। मैं ऐसे तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो कि इस इमदाद के वाकई में मुस्तहिक हैं कि वो अप्लाई करें। वो बेशक पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी जगह से चाहे देहात से हो और वो अप्लाई करें। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है राशन मुहैया किया जाएगा और ये राशन जो है ये उनके घरों में पहुंचा दिया जाएगा। आपने सिर्फ करना ये होगा कि आपने सिर्फ अपने इंटरनेट ब्राउज़र से अपने अप्लाई करना है घर बैठे। इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, rashan.pass.government.pk ये वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपसे चंद एक मालूम ली जाएंगी। याद रखिए कि आपने यहाँ पर जो भी मालूम देनी है एज़ पर अपने आईडी कार्ड से रिलेट देनी है, लेकिन जो ये पता है आपने वो पता देना है जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, आपने वो पता देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने ज़िला सेलेक्ट करना है जिस ज़िले में आप रहते हैं, और उसके बाद आपने तहसील, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। याद रखिएगा जो मोबाइल नंबर आप देंगे इसमें आपने कोई आपने डैश नहीं डालनी, आपने बग़ैर डैश के मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद आपने अपना पूरा नाम, और ये नाम आपने अपने आईडी कार्ड पर जो आपके है आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। याद रहे कि शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपने लिखना है ये इसमें किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आपको राशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने खानदान के अफराद की तरह लिखनी है। और आपको मज़ीद बता दूं कि जो ये राशन है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिनों के अंदर जो है मौसूल हो जाएगा। और ये जो राशन है इसकी आपसे कोई भी पैसों की डिमांड नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रिक्शे वाला आता है या कोई भी शख्स आता है आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेगा। अगर करेगा तो आपने उसको किसी किस्म का 1 रुपया भी नहीं देना, क्योंकि ये राशन जो है हुकूमत की जानिब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मुस्तहिक लोगों को दिया जा रहा है। तो ये इंशाल्लाह आपको 4 दिनों के अंदर जो है मौसूल हो जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें।